मॉर्निंग टू एवरीवन. सो लेट अस डू दिस सम. वी के विल रीड इट. नोमान लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स विच वर अंडर रिटन एज फॉलोज. अभी दीज थ्री आर द अंडर राइटर्स. Mr. A, who has been appointed as the underwriter for 48,000 equity shares, Mrs. B and Company, underwriter for 20,000 equity shares, Mrs. C and Corporation, underwriter for 12,000 equity shares. Add all of this, how much you get? 48 plus 20. Plus 12, which is equal to 80,000, and Noman Limited has 80,000 to sell, and that has been this way 48, 20, and 12 this way distributed to the underwriters. The above mentioned underwriters made application for firm underwritings as follows. यहाँ पे फॉर्म अंडर राइटिंग है. मिस्टर ए का हु इज अ इंडिविजुअल अंडर राइटर 6,400 इक्विटी शेयर्स, उसके लिए फॉर्म अंडर राइटिंग है. इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ही हैज टू परचेज दिस मेनी फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स. मिसेस बी एंड कंपनी 8,000 फॉर्म अंडर राइटिंग है. मिसेस सी कॉरपोरेशन 2,400 firm underwriting shares. Now, the total applications excluding firm underwriting but including marked applications were for 40,000 equity shares. मतलब जो हमें application मिला है 40,000 का, इसमें ऊपर जो 6,400, 8,000 और 2,400 जो फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स है वो इंक्लूडेड नहीं है. सी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस. मार्क्ड एप्लीकेशंस है 40,000, सॉरी मार्क्ड एप्लीकेशंस आर इंक्लूडेड इन दिस 40,000. फिर अनमार्क्ड भी होगा और marked applications also are included, but firm underwriting is excluded. Firm underwriting ये 40,000 में included नहीं है. The marked applications were as under: A का 8,000, Mrs. B and Company का 10,000, Mrs. C Corporation का 4,000. So 40,000 में 8, 10 and 4 माइनस करेंगे तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस आ जाएगा, बिकॉज़ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट इंक्लूडेड ना इन द 40,000. द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट अंडरराइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशंस एंड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बी गिवन इन प्रपोर्शंस टू द शेयर अंडररिटन. तो फर्म अंडररिटिंग का बेनिफिट, फर्म अंडररिटिंग का क्रेडिट इंडिविजुअल अंडररिटर्स को देना चाहिए बोला है. सी फर्स्ट राइट लाइन, द अंडररिटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट अंडररिटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशंस. बी गिवन क्रेडिट, बी गिवन बेनिफिट. So, जब बेनिफिट मिलता है फर्म अंडरराइटिंग का इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को, तब हम फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस ट्रीट करते हैं. सो ये क्वेश्चन में भी वी विल हैव टू कंसीडर द फर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशंस, बिकॉज बेनिफिट हैज टू बी गिवन. क्रेडिट ऑफ फर्म एप्लीकेशंस has to be given to the individual underwriters. अगर benefit नहीं देते तो unmarked treat करते हैं. If benefit is not given, we treat the firm underwriting as unmarked. So let us start the question. Sorry, let us start the solution.
सबसे पहले वी विल राइट ग्रॉस लाइबिलिटी इज गिवन हाउ मच इट इज लुक एट द फर्स्ट 48,000 फॉर ए 20,000 एंड 12,000 सो व्हाट वी विल राइट ए को है 48,000 बी को हाउ मच शेयर हैज टू बी अंडर रिटन 20 एंड सी इज 12 सो बी एंड कंपनी इज 20,000 एंड सी इज 12,000 आर ऑल द थ्री यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर दिस इज द ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो इज 48:20:12 इसको छोटा कर सकते फोर के टेबल में क्या आ जाएगा 12,000, 12,000, 5,000 and 3,000 सो हमने 48 आता है फोर के टेबल में 12 में 20 आता है फोर के टेबल में 5,000 एंड 12 आता है फोर के टेबल में 3 टाइम्स सो 12:5:3 इफ यू डू नॉट वांट टू रिड्यूस कीप इट एज लाइक इट इज डोंट रिड्यूस इट इट्स अप टू यू सो नेक्स्ट क्या करना है फ्रॉम द ग्रॉस लाइबिलिटी वी विल रिड्यूस द marked applications which are given in the question marked applications are how much marked application is given marked application is given how much it is 8,000 10,000 and then we have 4,000. Add all the three. How much you get? 18 + 4, 22. Right? 22,000. Less करेंगे तो कितना हो जाएगा? Balance कितना रहेगा? 40,000, 10,000, 8,000. Add it becomes how much? 58,000. Now generally what we do इसमें से less करते हैं firm underwriting because benefit is given. Benefit of firm underwriting is given to individual underwriters. But जो हमें total application दिया है 40,000 उसमें firm underwriting included नहीं है. So हम क्या करते हैं? पहले तो हम unmarked applications find out करते हैं. Let us find out the unmarked applications. An unmarked application is total applications excluding firm underwriting because firm underwriting is not here, not included, minus marked application. Benefit दिया है तो बेनिफिट जब दिया है तो हम फर्म अंडरराइटिंग को भी मार्क्ड ट्रीट करते हैं बट ये टोटल एप्लीकेशन 40,000 में फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड नहीं है राइट देयर सी टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन इज 40,000 तो उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस सो ये 40,000 में This 40,000 includes what? This 40,000 include marked application, right? ये 40,000 में firm underwriting included नहीं है, but marked application included है. So ये 22,000 marked application minus किया, तो हमें मिल जाएगा unmarked application, which is how much? 18,000 shares. So ये 18,000 shares पहले less कर लेते हैं less unmarked applications जो कि हम कौन से रेशियो में डिवाइड करने बोला है unmarked application भी given in proportion to the shares underwritten. Shares underwritten क्या है 12:2
5:3. So 18,000 into 12 plus 5 plus 3 is how much? 20. So 18,000 into 12 upon 20, how much do you get? 18,000. So you get how much? You get, how much are you getting? 10,800. So 10,800 and 18,000 into 5 upon 20, you get how much? 4,500 and 18,000 into 3 upon 20, you get 2,700. Sabko add kiya, so you get 18,000. So how much? So isme how much it is? Minus karo. You get 29,200. Here you get 5,500. And here you get 5,300. Add karenge to 40,000. Or 58 minus 18 is also 40,000. Now hum log kya karte hai? When benefit of firm underwriting is given to individual underwriters, hum pehle add karte hai, phir, sorry, pehle less karte hai, फिर लास्ट में ऐड करते हैं. सॉरी, अगर हम बेनिफिट नहीं देते तो लास्ट में ऐड करते, बट अगर बेनिफिट देते तो पहले लेस करते और लास्ट में ऐड करते. सो पहले लेस करते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग को. लेस फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग लेस करो. कितना है फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन? How much is firm underwriting? As follows: 6,400, 8,000, and 2,400. How much you are getting? It is already given. So it is given or actual? जो question में दिया है, how much it is? 6,400. Less करना है. लेस करना है. ये कितना है? 8,000 और 2,400. सो दिस इज 8,000 एंड दिस इज 2,400. सो हाउ मच यू आर गेटिंग? पूरा ऐड करो. यू गेट 16,000 800. सो अभी वन मिनट, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस. नहीं हो रहा है. सो ये रिमूव करके कितना आ रहा है? हाउ मच यू गेट हियर? 29 माइनस 6,400, 5,000 माइनस 8,000. लेकिन प्लस या माइनस? नेगेटिव ना, बिकॉज माइनस साइन इज मोर. इसके बाद 5,300 माइनस 2,400 एंड यहाँ पे अब इसमें एक नेगेटिव है ना, उसका लेस क्रेडिट एडजस्ट करते. लेस क्रेडिट
एडजस्टेड, सो कौन सा रेशियो रहेगा? 12:3 करेक्ट, बिकॉज बी का जिसका हम क्रेडिट एडजस्ट कर रहे हैं, जिसका नेगेटिव आया है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, डिवाइड बाकी दोनों को करना है ए एल सी को, तो उनका रेशियो कितना है? 12:3. सो यहाँ पे करेंगे प्लस 2500. तो यहाँ पे 2500 इंटू 12/15 करो, हाउ मच यू गेट? 2000 एंड हियर यू गेट 500, राइट? सो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. नेक्स्ट, हाउ मच यू गेट? नेक्स्ट हाउ मच यू गेट हियर? 20,800 एंड दिस यू गेट नील. दिस यू गेट हाउ मच? 2,400. लास्ट में हो गया, पहले लेस करते फॉर्म अंडर राइटिंग को, फिर ऐड करते लास्ट में. यही है ना फॉर्म अंडर राइटिंग? पूरा ऐड करेंगे तो 16,800. नाउ आर यू गेट अवर टोटल लाइबिलिटी? हाउ मच इट इज? 20,800 प्लस 6,400, यू गेट 27,800. This will be 4,000 and finally ये कितना रहेगा? 40,000. With this sum is done. Thank you very much everyone.